हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी के बारे में हम थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कंपनी पहले आई, फिर कौन से जो यूरोपियन थे वो पहले आए, कौन से बाद में आए। तो उस पर्टिकुलर थीम पर ये वीडियो हमारा फर्दर आगे बढ़ेगा, जैसे कि पुर्तगालीज कब आए, ब्रिटिशर कब आए, डच कब आए, ये सब कब आए आखिर, और उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ पे बनाया, उनके गवर्नर कौन थे। तो उसी से रिलेटेड दिस पर्टिकुलर वीडियो है, क्योंकि आप बीपीएससी में, यूपीपीएससी में, पीसीएस वगैरह में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। हालांकि अब यूपीएससी में भी आपको स्टेटमेंट वाइज मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन मिलना यूपीएससी में बहुत मुश्किल है, लेकिन पीसीएस में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री है ये। तो व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया, वो कब आया था? 1498 में आया था। ये डेट याद रखिए, आप मुझे एग्जैक्ट डेट बताएं, वो कौन सा मंथ और डेट कौन सा था जिस दिन वास्को डी गामा भारत आया था। तो 1498 में आया था कालीकट में। ठीक है, वो वॉज द फर्स्ट पुर्तगालीज वायसराय इन इंडिया। तो अल्मीडा था पहला वायसराय भारत में पुर्तगालीज का। ठीक है, वो एमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम्ड वास्को डिगामा एट कालीकट। तो जैमोरिन ने उसका वेलकम किया था वास्को डिगामा को। ठीक है, जैमोरिन। ठीक है, रियल फाउंडर जो है पुर्तगालीज को किसको मान, वो वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। जो रियल फाउंडर किसको माना जाता है जो कि पुर्तगालीज इन इंडिया में, तो वो अल्बुक्यूर्क्यू। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। ये सब असल में पुर्तगालीज नेम होते हैं तो प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल होता है, अल्बुकर क्यूरिक्यू। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं। एट विच प्लेस पुर्तगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रीज, तो वो कोची ने अपना पहला फोर्ट्रीज बनाया था, किसने? पुर्तगीज ने। ठीक है, वो वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। तो पहला यूरोपियन जो ट्रेड के लिए आया था वो तो अभी हमने पढ़ लिया कि वो पुर्तगालीज था। ठीक है, वो वाज द यूरोपियन टू सेट अप ट्रेड सेंटर इन द इंडिया। फर्स्ट किसने ट्रेड सेंटर किया था? वो पुर्तगालीज था। ये लोग यहाँ पर आए थे, स्पाइस वगैरह ये लोग यहाँ से खरीद के ले गए थे वास्को डी गामा ने 1498, और उसको वहाँ ले आकर यूरोप में पुर्तगाल ने बहुत ज़्यादा कॉस्टली दामों में उसको बेचा था। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि पुर्तगाल की कैपिटल क्या है आज के प्रेजेंट डेट में, और पुर्तगाल का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? वहाँ से कोई स्ट्रेट, वहाँ उसके अगल बगल से कोई स्ट्रेट पास करता है क्या पुर्तगाल के अगल बगल से? और पुर्तगाल का एक कोई एक फुटबॉलर का नाम बताएं जो बहुत ज़्यादा फेमस हो। हुगली वाज यूज्ड एज ए बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल बाय, ये पुर्तगालीज लोग बहुत ज़्यादा पारेसी वगैरह करते थे बे ऑफ बंगाल में, हुगली किनारे आसपास में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टेड विथ ब्लू वाटर पॉलिसी, तो अल्मीडा था जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी से कनेक्टेड था, और ब्लू वाटर पॉलिसी जो फॉलो करता था वो कौन था बेसिकली? ये आपको पुर्तगालीज था। ये लोग क्या करते थे कि पर्टिकुलर, जैसे कि सपोज करिए कि बे ऑफ बंगाल या अरबियन सी वगैरह में, तो ये लोग अपना कार्टर सिस्टम कुछ ऐसा बना लेते थे, अगर कोई भी अगर सिप अगर आएगा तो उसको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी पहले ये लोग लेते थे, उसके बाद उस सिप को पास करने के लिए वहाँ से अलाउ क्या करते थे। ठीक है, तो और इनकी जो ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है इसकी काफ़ी अच्छी थी पुर्तगालीज की। ठीक है, वो इनके लिए काफ़ी अच्छा था। ठीक है, ये देखिए कोलकाता का फाउंडर कौन था? वो वास था फाउंडर ऑफ कोलकाता। आपने कभी ऐसा क्वेश्चन आपने कभी सोचा कि कोलकाता का फाउंडर कौन था? तो जॉब चार्नोक एक बंदा था जो कि कोलकाता का फाउंडर था। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या वेस्ट बंगाल से टॉपिक ऑफ कैंसर क्या वो वहाँ से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आप मुझे बताएं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के कितने स्टेट से पास हो रहा है। ठीक है, तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप याद से बताएं, और उसमें से जो सबसे लीस्ट कौन से स्टेट से पास हो रहा है और सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट से पास हो रहा है। ठीक है,
द फर्स्ट टू स्टार्ट ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया, तो वो डच थे, ठीक है। द एम्पायर ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो उस समय अकबर थे। अकबर का जो टाइमिंग है वो 1556 से 1606 के आसपास तक है। एक अगर आपको बॉर्डर टाइम और आपको टर्म याद रहेगा तो आप चीज़ों को ईजिली आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे एक दफ़ा एक क्वेश्चन पूछा था कि शेक्सपियर जो है ये किसका कंटेम्प्रेरी है, तो शेक्सपियर जो है वो अकबर के कंटेम्प्रेरी हैं। और उसमें जो ऑप्शन था उसमें एक ऑप्शन कृष्णदेव राय भी थे, लेकिन जो अगर आप इसको एग्जैक्ट डेट देखेंगे अगर आप शेक्सपियर को, तो उस वो एग्जैक्ट जो कंटेम्प्रेरी हैं वो अकबर के हैं। वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत, 1613 और 1612 और 1613 के आसपास जो ब्रिटिशर ने अपना फर्स्ट फैक्ट्री वो सूरत में बैठाया था, इसी का आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। द ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड पुर्तगालीज एट स्वाली, सोले था, हालांकि वो लोग सोले नहीं बोलते थे, इसके कारण वो लोग स्वाली बोलने लगे, ठीक है। तो थॉमस बेस था जो कि डिफीट किया था बैटल ऑफ स्वाली में पुर्तगालीज को। और आप मुझे बताएं कि बैटल ऑफ जो स्वाली है ये कब हुआ था, उसका डेट क्या था, ठीक है। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब, औरंगजेब के द्वारा कौन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को एक्सपेल कर दिया गया था, वो सर जॉन चाइल्ड थे। याद रखना है कि औरंगजेब ने बच्चे को मारा था, ठीक है, तो चाइल्ड था ये, ठीक है, सर जॉन चाइल्ड। एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं आता है, आप लोग तो कोई ट्रिक लगाकर इसे याद रख सकते हैं। कार्नेटिक वार वाज फाउट बिटवीन इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था, तो कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि कितने कार्नेटिक वार हुए, ठीक है। पहले कार्नेटिक वार से कौन सी ट्रीटी हुई, दूसरे कार्नेटिक वार से कौन सी ट्रीटी हुई, तीसरे कार्नेटिक वार से कौन सी ट्रीटी हुई, ठीक है। क्या सेकेंड कार्नेटिक वार के बाद कोई ट्रीटी हुई थी या नहीं हुई थी, और ट्रीटी ऑफ पेरिस कौन से कार्नेटिक वार में हुआ, ठीक है, आप मुझे बताएं आप। फ्रॉम वेयर यूरोपियन गॉड बेस्ट सोरा साल्ट पीटर्स एंड ओपियम, ये तो इजी क्वेश्चन है, बिहार से लोग साल्ट पीटर वगैरह इनको मिल जाया करता था, ठीक है, यूरोपियंस को। लास्ट यूरोपियन टू कम प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स, तो फ्रेंच जो कि लास्ट में आए थे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दें कि पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया और उसके बाद कौन आया। तो पहले जैसे कि पुर्तगालीज आया, पुर्तगालीज बाद कौन आए, ब्रिटिशर आए या डच आए, अगर डच आए तो फिर उसके बाद ब्रिटिशर बाद में, उसके बाद फ्रेंच बाद में, तो आपको मुझे बताना है कि कमेंट सेक्शन में कि पहले कौन आया है बाद में कौन आया है, क्या पहले अगर पुर्तगालीज आया है तो क्या उसके बाद डच आए या फिर इंग्लिश आए, लास्ट में तो फ्रेंच दिख रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन हमारा, और इसमें मैं करीब करीब 18 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया हूँ जो कि आपको पीसीएस वगैरह में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। और इसमें तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा तो अच्छे से आप इसको ध्यान रखेंगे, जो अकबर जो था कंटेम्प जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में बन रही थी उस समय जो अकबर यहाँ के किंग थे, और अकबर के समय का जो कंटेम्प्रेरी है वो शेक्सपियर है, ठीक है। अब जॉब चार्नोक जो है ये कोलकाता का फाउंडर था, ठीक है। अब ब्लू वाटर जो पॉलिसी है वो अल्मीडा की थी, ठीक है। पायरेसी जो है ये बे ऑफ बंगाल में पुर्तगाल लोग करते थे, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं आप, जो फर्स्ट फोर्ट्रेस जो है वो कोची ने बनाया था पुर्तगालियों ने, और जो रियल फाउंडर जो पुर्तगाल का माना जाता है वो अल्बुकर क्यूरिक्यू माना जाता है, ठीक है। वास्को डी गामा को किसने स्वागत किया था, जैमोरिन ने, और पुर्तगालीज जो फर्स्ट वायसराय था उसका नाम था अल्मीडा, और पुर्तगालीज वास्को डी गामा जो है वो भारत का था 1498 में। आप जो भी मैं क्वेश्चन पूछा हूँ आप इसे प्लीज़ आप इसे आंसर में अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। चलिए आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक मेंस का क्वेश्चन है, अगर आप मेंस में अगर आप यूपीएससी में लिखते हैं फिर मतलब यूपीएससी में था कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पुर्तगालीज इन इंडिया, ठीक है। कल्चरल आस्पेक्ट भी उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, और पोलिटिकल आस्पेक्ट पर भी आप बता सकते हैं, और भी जो भी उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया में, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं कि टमेटो है आपको, जो पोटैटो है, और जो पाइन एप्पल वगैरह है, जो भी इस सब चीज़ें को कौन लेकर के आया था, ठीक है, और इसका कंट्रीब्यूशन आपको कहाँ पे भारत के कौन से स्टेट में आपको अभी आपको दिखता है पुर्तगालीज का, ठीक है। बाकी जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हूँ आपको, आप प्लीज़ आप इसको आप डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर करें तो ये आपको डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगा इन लॉन्ग रन। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर, बाय बाय।